किचन का टैप लीक हो रहा है। हम ठीक कर देते हैं। 80 के दशक में बड़ी आम सी होती थी जिंदगी, पर उस आम का रस पीना सिखाया इस सज्जन इंसान ने। हमें साहित्यकार देविका की व्यथा का क्या हुआ पूछना चाहते थे। अमिताभ बच्चन का जमाना है और तुम राजेंद्र कुमार को बेचने चले। देविका को ठोककर, माफ कीजिएगा, देविका की व्यथा को लगी ठोकर और हमारी जवानी का हुआ जन्म। कुछ अलग लिखो, कुछ फड़फड़ाता हुआ लिखो, ऐसा मसाला डालो कि मतलब पढ़ने वाले बदन में आग लग जाए। किचन का टैप लीक हो रहा है। हम ठीक कर देते हैं। सुबह की चमकती धूप ने जमी बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। पहली बार रानी के जिस्म को मैंने इतने करीब से देखा। मैदे के आटे जैसा मुलायम बदन, उस पर दो बुलंद कुंभ। मैं चुप क्यों हो गया? एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू करता, क्या हो गया फिर टीचर के घर पे? चंदन से खुशबू, सबका बॉडी टेम्परेचर सेम होता। व्हाई डोंट यू एक्चुअली टच एंड फील इट? जो कैसे इस मौके का लाभ उठे। कभी हमें भी बुलाइए अपने अच्छे घर, हम आपको दाल भात खिलाएंगे। पानी में है आग लगे, पर्वत से भी धुआं उठे, लगे बुझाने जो मिलके अब उसी आग में दोनों जले। मसाला मसाले की फैक्ट्री लगा रही राजे, मतलब आप इसे छापेंगे? अरे ये मसाला छपेगा और नोट भी छापेगा। मसरम वो दवा थी जो नौजवानों में प्यार और बूढ़ों में जवानी की आग जलाती थी। मस्त नाम ना होता तो जिंदगी में नमक ना होता। चला चला रे, एक बार लड़की देख तो ले भांजे। पर हमारी रंगीन राहों में आया एक नया ट्विस्ट। पापा कह रहे थे कि आप भी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं आजकल? देविका की व्यथा। सुनने में ये नारी उत्थान और सशक्तिकरण की कहानी लगती है। जी पढ़ने वाले तो गंदे हैं, लेकिन सोचो ऐसी किताबों को लिखने वाला कितना घटिया होगा। लोगों की जांघों में जान डालने, बड़े बुजुर्गों को नॉस्टैल्जिया फील कराने और नई पीढ़ी को नया पाठ पढ़ाने फिर से आ रहा है। देखा क्या हम? और अभी हम क्या लिख रहे हैं? मस्त राम। नहीं, क्या लिख रहे हैं? मस्त राम। नहीं, हम लिख क्या रहे हैं?